मासी आपका काक बजू का रेडी है मासी अब आपकी चिंकी पिंकी टिंकू रिंकी पिंकी जो भी है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा साइकिल इनाम में मिली थी वो भी मुझे प्रतियोगिता में हरा कर और पूरे गांव में तू इस साइकिल पे बैठ के इतना तक घूमता था खास करके मेरे घर के आगे से जरूर निकलता था अब देख मैं तेरी सारी एंट्री कैसे निकालता हूँ जब मैं जिंदा था तब हर कोई मुझे अपना अपना दाव दिखाता था अब दाव नहीं बल्कि दाव चलेगा वो भी मेरा और वो भी पूरे गांव पर और जिस चीज ने मुझको सताया था ना उसको मैं ऐसे सताऊंगा कि उसको उसकी नलियां दिला दूंगा गधे निकम्मे नालायक नकारा सॉरी आप इस तरह मेरे भाई की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं जानू मत रूठो इस तरह मत रूठो डार्लिंग और भी खूबसूरत लगती हो इसका मतलब नॉर्मली दीदी आपको बदसूरत दिखती है मैंने ऐसा कब कहा अभी अभी तो कह रहे जी जी जानू ओह माय गॉड इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था तू तो सोचो हाँ नहीं मत 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 सोचो डार्लिंग सर एक मिनट सर हुआ क्या आप नाराज क्यों हैं इन दोनों से क्यों है हाँ क्योंकि इन गधों को मैंने मौसी के गांव में पापड़ चोर भूत को पकड़ने भेजा था और ये लोग वहाँ ये कहकर आए कि वो पापड़ जो है कौवे खा जाते हैं तो ये तो बिल्कुल सच बात है हाँ सर अरे क्या हाँ मेरी अभी मौसी का फोन आया था गांव से ये बताने के लिए कि ये जो काक बजूका ये लोग वहाँ पर खड़ा करके आए हैं कौवे को डराने के लिए दरअसल वो पूरे गाँव को डरा रहा है क्योंकि उस काक बजूका में पापड़ चोर भूत घुस गया है हाँ तो ना पापड़ चोर भूत घुस गया है अब तुम फिर से मौसी के गांव जाओगे और उस काक बजूका में से उस पापड़ चोर भूत को भगाओगे और इस बार तुम तब तक वापस नहीं आओगे जब तक उस पापड़ चोर भूत को भगा नहीं देते समझे इससे पहले कि ये दोनों कहीं और जाए हमें इस काम को अंजाम देना होगा उसके बाद तारा बाहर आएगा और इन दोनों की बैंड बजाएगा और फिर प्रीतम प्यारे की कहानी का दी एंड भाई हाँ ये देखो आज भी अपने हैंडपंप की पूजा कर रहा है पूरे गांव में सबसे पहले रमणीक लाल के घर में हैंडपंप लगा था और इस बात का इसे बड़ा गुरूर था इस गधे की वजह से मेरी बीवी ने मुझे हमेशा ताने दिए कि देखो रमणीक भाई से कुछ सीखो सबक लो लेकिन अब आज मैं इसे सबक दूंगा
आई 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 मार डाला गुगी मार डाला तुम्हारे हाथों का आमरस क्या खुशबू है क्या रंग है लेकिन ये तीन कटोरियां इस बोल के संग क्यों है हटाओ इन कटोरियों को ये बोल सीधा मैं लेकर पी जाता हूँ नहीं नहीं जानू ये तीन कटोरी आपके लिए और मेरे भाई के लिए उनको भी आमरस बहुत पसंद है और वो कितने अकलमंद है अकलमंद नहीं है गुग्गी अकलबंद है बंद हाँ मौसी वहाँ गांव में इंतजार कर रही है उन लोगों का और वो लोग टाइम पास कर रहे हैं हेलो जी हेलो नहीं चलो चलो मौसी गांव में इंतजार कर रही है चलो जानू आप मेरे भाई से ऐसे कैसे टॉक्स कर सकते हैं ऐसे तो ये बच्चे डर सकते हैं मार डाला गुग्गी मार डाला ये दो बच्चे नहीं है ये दो उल्लू के पट्टे हैं पट्टे सॉरी वेल थैंक यू हमारे लिए नो रिस्पेक्ट ओनली सस्पेक्ट भाई दबे हम बता दें कि हम आप ही का काम कर रहे थे भूत भगाने के लिए गन बना रहे थे कोई हथियार वथियार नहीं बना रहे थे मुझे बेवकूफ बना रहे थे उसमें बनाने की क्या जरूरत है ये क्या मतलब मतलब जीजा जी आप तो पहले से इतने इंटेलिजेंट है ना चलिए जीजा जी मैं आपको गन दिखाता हूँ चलिए 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 दरवाजा खोलना पड़ेगा बेटा जा दरवाजा खोलो मैं गन लेके आता हूँ मैं वो मैरी के साथ किचन में कुछ काम है मैं आमरस पीऊंगा मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा यस 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 कमाल है बाहर तो कोई भी नहीं था मुझे आमरस भी नहीं खाने दिया चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 अरे टिक 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 अरे कौन है तू कौन है ये क्या हुआ लगता है इसे तो पता चल गया कि प्यारे के अंदर कोई और है माने भूत है कौन है तू बाप रे कितनी जोर से थप्पड़ मारता है ये मोटू पूरा का पूरा रस पी गया एक बोल भर के रस पी गया मैं यहाँ से यहाँ तक मैं आया उसमें प्रण करके पी गया तू अरे जन्म जन्म का भूखा है या अकाल की पैदाइश छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मिला हाथ से निकल गया अरे रुक Thank God, gun मिल गई। चल मेरे घोड़े चल मिल गई। क्या घोड़े की तरह हिंद हिना क्यों रहा है? चल, gun मिल गई। चल, 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 चल देर हो जाएगी। जल्दी चल, gun मिल गई। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज प्यारे तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्यारे, अरे जीजा जी दिल क्यों मार के बीच में मत पड़ना मुझे बहुत गुस्सा आया है जीजा जी बोल रहा हूँ कि बच्चे की जान लेंगे आप ये बच्चा
ये बच्चा नहीं है, भूत है भूत, और इस बात का मेरे पास सबूत है। भूत? हाँ। लगता है पक्का इस मोटू को पता चल गया है कि प्यारे के अंदर भूत है। अब तो ये प्रीतम तेरी बैंड बजा देगा कांडी। अरे आमरस से भरा हुआ बोल एक ही सांस में गटक गया। बोल आमरस का इतना बड़ा बोल एक ही सांस में गटक गया। रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा आज। अरे ये हमारा नया आविष्कार, ये नई गन है, ये भूतों पे चलाई जाती है और किसी इंसान में अगर कोई भूत घुस जाए तो उसको भी निकाल के बाहर फेंक देती है। Are you sure? Sure सही हूँ। Sure सही हूँ क्या होता है? सही है मौका, कांडी मार दे चौका और निकाल ले भूतों पीढ़ी। इसका एक्सपेरिमेंट अब तक नहीं किया है, वैसे गन अभी तक देखिए। बस तो आज इसका एक्सपेरिमेंट होके ही रहेगा आज। और ये मेरे होंठ इतने मीठे कैसे हो गए? तेरे होंठ इसलिए मीठे हैं क्योंकि आमरस से भरा हुआ एक बोल एक ही सांस में तू गटक गया। बोल आमरस से भरा हुआ एक बोल एक ही सांस में गटक गया। अरे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बोल क्यों रहा? सॉरी। लेकिन जीजा जी मैंने आमरस कब पिया? मैंने तो आमरस पिया ही नहीं। प्यारे प्यारे थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसमें से तुझे कुछ याद है? नहीं नहीं प्रीतम, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्यारे ने जो कुछ भी किया वो प्यारे ने नहीं किया। हा? जरूर इसके अंदर घुसे हुए भूत ने किया। हाँ ये जी जरूर मेरे अंदर घुसे हुए भूत ने। अरे निकल गया भूत, निकल गया। लेकिन जो भूत प्यारे के अंदर घुसा था वो हमारे अंदर भी घुस सकता है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा, साथ साथ घर का प्रोटेक्शन भी बढ़ाना होगा। थैंक यू जी, अगर आज आप गोली नहीं चलाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे जो होना था वो होता, लेकिन ये सोचो इस वक्त मौसी का क्या हाल हो रहा होगा। तुम लोग निकलो, फौरन निकलो। अरे अरे ये गन ले जाओ, ये गन ले जाओ। जीजा जी जाने से पहले थोड़ा अमरस पी के जाए तो चलेगा? सॉरी। भूतरीना ये इंसान तो सच में बहुत खतरनाक है, देखो ना मेरी क्या हालत करके रख दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो मेरे दिल में हो रहा है और वो तभी थमेगा जब तारा प्रिंटर से बाहर निकलेगा। आखिर ये प्लान भी फेल हो गया, लेकिन भूतरीना नाम है मेरा, जिसने हारना कभी नहीं सीखा। प्रीतम प्यारे कितनी देर लगाओगे, चलो निकलो। घुस गए इन दोनों में, दो भूत घुस गए, दोनों भूत मेरे घर में, दो भूत, दो भूत। जी सच सच बताना कैसी लगी हमारी कॉमेडी?
बहुत ही अच्छी। अब तुम लोग सच सच बताना, कैसा लगता है मेरा एक्शन? जोर का लगा। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेल थैंक यू जी आजी। एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि जब प्यारे के अंदर एक बार भूत घुस सकता है तो दोबारा भी हम दोनों के अंदर घुस सकता है, इसलिए हमने बनाया ये भाग भूत भाग बैंड। जीजा जी, अब भूत चाहे सर के बल क्यों ना खड़ा हो, हमारे अंदर घुस ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों, मेरे सालों। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों उस पापड़ चोर भूत को पकड़ लोगे। जीजा जी, जाना जरूरी है। नहीं चलेगा। थैंक यू जिया जी, आपको नहीं लगता आप हमें कुछ ज्यादा इज्जत दे रहे? तुम्हें और इज्जत चाहिए? क्या हुआ भाई? याद कर रहे हैं, जा रहे हैं इसलिए तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम लोगों को भूख लगेगी ना रास्ते में, इसलिए मैंने तुम लोगों का फेवरेट लंचेस बनाया है। कांडी, तुम अभी जाओ और प्यारे के शरीर में घुसो। डोंट वरी, ये लोग हमें नहीं देख सकते। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं यहाँ से बाहर करूंगी। जाओ। देखते ही सब मुझे चाहते हैं भाग, क्योंकि मैं लगाती हूँ सब में आग। अभी जाकर आती हूँ। थैंक यू भाई। धक्का क्यों मार रहा है मुझे? नहीं, मैंने धक्का नहीं मारा जी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही किसी ने धक्का दिया। ये धक्का मारा? ये चक्कर क्या है? ये अंदर क्यों नहीं घुस पा रही है? जानू, मेरे भाई नहीं मार रहे आपको धक्का, आप फिर क्यों हो रहे हक्का बक्का? आई, मार डाला गुग्गी, मार डाला। बस आज के बाद तुम्हारे भाइयों को ना मैं मारूंगा ना ही कुछ बोलूंगा। पुत्रीना, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसके शरीर में नहीं घुस पा रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो निकलो 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 निकलो, गाड़ी में बैठो। एक काम करो, गुगी के शरीर में घुसो। गुगी के शरीर में क्यों? सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूँ करो। जाओ गुगी के शरीर में घुसो। जाओ। देखिएगा, मेरे भाई भूतों को पकड़ेंगे और सब आपको फक्र से देखेंगे। आई, मार डाला गुग्गी, मार डाला। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम जैसी इंटेलिजेंट औरत के इतने निकम्मे और निठल्लू भाई कैसे हो सकते हैं। मेरे भाई के बारे में ऐसे बोलते हो? निकम्मे निठल्ले बोलते हो? अपने आप को देख महा मोटे। क्या बोल क्या रही हो तुम गुग्गी? क्या हो गया तुम्हें? मेरे भाई पे ठाते हो कहर, अब कड़वा लग रहा है मेरी बातों का जहर। मार डाला गुग्गी, मार डाला। वादा करता हूँ प्रीतम प्यारे को मैं कुछ नहीं करूँगा, वो जो भी करेंगे उन्हें बर्दाश्त कर लूंगा। जानू, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं? नहीं, मैंने क्या किया जानू? तुमने मुझे महा मोटे। मैंने आपको महामोटे कहा? हाँ। ना। तुम्हें कोई भूत तो नहीं घुस गया? भागो 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 भागो। कौन? इडियट फुस्की। इडियट फुस्की, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तुम गोगी के शरीर के अंदर घुस गई, यहाँ आते आते आसानी से पांच और लोगों के शरीर के अंदर घुस गई,
तो प्यारे के शरीर के अंदर क्यों नहीं घुस पाई?